हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रामाइसिटिन क्रीम के बारे में, जिसे हम सोफ्रोमाइसिन क्रीम के नाम से जानते हैं। जानेंगे इस क्रीम के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस क्रीम को कैसे लगाया जाता है, क्या कारण है कि इस क्रीम को लगाने से हम बेरे हो जाते हैं, और क्या इस क्रीम को प्रेगनेंसी में यूज किया जा सकता है नहीं। तो जानेंगे इन सभी के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रामाइसिटिन क्रीम की बात करते हैं, तो यह एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक क्रीम है, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी कहते हैं। यह क्रीम बैक्टीरिया तथा माइक्रोब्स को मारकर इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। फ्रामाइसिटिन सिर्फ टॉपिकली यूज के लिए बनाई जाती है, यानी कि इसे सिर्फ स्किन पर ही लगाया जाता है, यह दूसरे फॉर्म में नहीं बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस क्रीम के ब्रांड नेम की बात करते हैं, तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सोफ्रोमाइसिन, फ्रामाइसिन, या कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस क्रीम के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो यह आपको 1% वेट बाय वेट की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं, जो कि क्रीम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पैकिंग स्ट्रेंथ की। इस क्रीम के पैकिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो यह आपको 20 ग्राम, 30 ग्राम तथा 100 ग्राम के अलग अलग पैकिंग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। कह लेते हैं प्राइस की। इस क्रीम के प्राइस की बात करते हैं, तो इस क्रीम की एवरेज प्राइस 40 रुपए से लगाकर 150 रुपए तक हो सकती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा पैकिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। आपको सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं, और यह एक OTC प्रोडक्ट है। इसको खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस क्रीम के यूज की बात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक तथा एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्रीम है, तो इसका यूज स्किन से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की स्किन जल गई हो, चाहे वो स्किन आग लगने से जली हो, गर्म पानी से जली हो, या गर्म चाय या दूध से जली हो, जिसके कारण से व्यक्ति की स्किन पर फफोले हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो, या गेम खेलते समय माइनर इंजरी हो गई हो, स्किन पर खरोच आ गई हो, जिसे हम सुपर फेशियल वुंड कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के दौरान गहरा घाव हो गया हो, या हाथ पैर की नसें कट गई हो, तो उस समय इस क्रीम का यूज नहीं किया जाता है। यदि आप इस क्रीम का यूज करते हैं, तो आपको किसी न किसी प्रकार का नुकसान कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को हाथ पैर में छाले हो जाते हैं, और यह छाले अधिकतर वर्कआउट करने वाले व्यक्ति को, जिम जाने वाले व्यक्ति को, या खेत पर काम करने वाले किसान के हाथ पैर में हो जाते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति को रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग जैसी समस्या होने लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की स्किन पर बॉइल, जिसे हम फोड़ा कहते हैं, इसमें व्यक्ति की स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इम्पेक्टिगो नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति की स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्या होने लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है, और यह अधिकतर छोटे बच्चों में ज्यादा देखी गई है। यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉलिकल नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति की स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, और यह इन्फेक्शन बाल टूटने के कारण या बाल खिंचने के कारण हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग जैसी समस्या होने लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। और यह बीमारी किसी भी बॉडी पार्ट्स में हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की स्किन पर येलो हेड कलर की छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, जिसमें व्यक्ति की स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग जैसी समस्या होने लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के बाह्य कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है, लेकिन इस क्रीम को कान के अंदर जाने से बचाएं।
इस क्रीम का यूज पिंपल को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन पिंपल का कलर येलो हेड या येलो कलर का हो, जिसमें पस भरा हो, उसी पिंपल को ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारी को ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी को भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस क्रीम के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वैसे तो इस क्रीम के कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इस क्रीम के साइड इफेक्ट होते हैं तो उसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस क्रीम को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आपको दूसरी क्रीम प्रिस्क्राइब की जा सके। अब बात कर लेते हैं इस क्रीम को कैसे लगाया जाता है। इस क्रीम को लगाने से पहले आप अपने हाथ तथा अफेक्टेड एरिया को अच्छे से क्लीन करें और उसे सुखा लें, और उसके बाद आप अपनी उंगली पर इस क्रीम को लेकर उंगली की मदद से इस क्रीम को अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें और एक पतली सी लेयर बनाएं। इस क्रीम को दिन में 2 बार या ज़्यादा जरूरत होने पर दिन में 3 बार भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस क्रीम को लगाने के बाद उस जगह को खुला रखें, उस पर किसी भी प्रकार की कोई पट्टी या कपड़ा नहीं बांधे। इस क्रीम के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस क्रीम को 5 दिन से लगाकर 7 दिन तक लगाने पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना या बहुत ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन है तो उस व्यक्ति को 15 दिन से लगाकर 20 दिन तक लगाने की सलाह दी जाती है। और छोटे बच्चों में यह क्रीम 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगाई जाती है। यदि आप इस क्रीम को 7 दिन से ज्यादा छोटे बच्चों में लगाते हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार का कोई नुकसान कर सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उस व्यक्ति को इस क्रीम के साथ में कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति का इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो सके। इस प्रकार इस क्रीम का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस क्रीम के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस क्रीम से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस क्रीम का दोबारा यूज न करें। किसी व्यक्ति को गहरा घाव हो गया हो या हाथ पैर की नसें कट गई हो तो उस समय इस क्रीम को नहीं लगाया जाता है। यदि आप ऐसी कंडीशन में इस क्रीम को लगाते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में यह क्रीम जा सकती है और आपको बहरा कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति के बाह्य कान में इन्फेक्शन हो गया हो तो उस समय आप इस क्रीम को कान के अंदर जाने से बचाएं। यदि यह क्रीम कान के अंदर जाती है तो आपको बहरा कर सकती है। और यदि किसी छोटे बच्चे की स्किन पर यह क्रीम लंबे समय तक यूज की जाती है तो उसे भी यह प्रॉब्लम कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद है या उसके कान का पर्दा कमजोर है तो उसे भी यह क्रीम नहीं लगाई जाती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस क्रीम का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई क्रीम का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रामाइसिटिन क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।